एक एक प्लेट और एक एक चम्मच दे दो और इनको जैसे गाय को खला में छोड़े वैसे इनको छोड़ दो, खान दो। सारे भूत चुड़ैल के हाथ में एक एक प्लेट चम्मच देकर छोड़ दिया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव का पेट के भोजन कर रहे हैं, ये तो पंगत हो गई, पर ये रुद्रगण खड़े खड़े टाकरी पिसाचनी चुड़ैल भूत खा रहे हैं, इनके खाने का कोई नाम होगा क्या? ब्रह्मा जी बोले, इसी को कलयुग में बफेट कहेंगे। यही कलयुग में बफेट है। और भयंकर हालत आपके यहाँ होता है बफेट? अरे बोलो तो जमके, पता है बहुत बुरी हालत होती है उसमें, खाने का कंपटीशन होता है। बफर बता रहे वाले वही मिलेंगे। सबसे ज्यादा भीख मांगते नजर आते हैं जब वो पानी पूरी की जगह, क्या बोलते पानी पूरी गोलगप्पा, हैदराबाद में भी गोलगप्पा बोलते। किसी ने हमसे पूछ लिया था इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं, कई बोले कि इसको गोलगप्पा क्यों कहते हैं, गुपचुप क्यों कहते हैं, तो हमने कहा जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, वो खाए से बोले क्या खा। सबसे ज्यादा भीड़ पड़ती है उसी गोलगप्पा में, वो पानी पूरी में, और मालूम पड़े भैया हाथ में तोना कटोरा भिखारी जैसा कटोरा दे दे भैया, दे दे प्लीज। अब उसको गर्मी भी लग रही है और देना भी सबको है और पाउंड खुजाल भी खुजाल फिर, और सब लोग पल्लू डाल डाल के पानी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा पानी तो अपने घर में भी नहीं बनता क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान निकलता है। फिर भोजन करके सब बाहर निकले सो तो आनंद होए। शिव महापुराण की कथा कहती है राधा शिव जी का मंगल विवाह बड़े आनंद के साथ भाव के साथ होता है। हरि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माने काशी वाले, लुटा दिया हाल लुटा दिया माला मान काशी वाले।